हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जी हाँ, ये है गुड इवनिंग और मैं यहाँ पे ऑफिस से घर पे आ रही हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही है और आते ही इस तरह से सबसे पहले जो मेरे चप्पल होती हैं उनको मैं धो के साइड पे रख दूँगी और दूसरी चप्पल डाल के घर में एंट्री लूँगी। और ये हमारा दरवाज़ा जो है वो बहुत रुक रुक के खुलता है, उसमें थोड़ा सा सेट करने वाला है। ऑफिस में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं अभी हमारे, तो मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि हमारे ऑफिस में भी अभी पॉजिटिव केस जो हैं वो आने लगे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन भरा माहौल है। तो मैं नहा कर आ गई थी और यहाँ पे ना माइकी स्कूबी के लिए बॉयल किए थे एग, क्योंकि इनको एग खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म थे और ये इनको ये था ना हमें गर्म गर्म ही दे दो, तो ये फिर यहाँ पे रख लिए थे ताकि थोड़ा सा ये ठंडे हो जाएं। और गैरी ने इनको ना बहुत उल्टी आदत डाल दी है इस तरह से कि हाथों से खिलाना। पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी उससे पहले तो मैं ही इनकी केयर करती थी, तो इनको हाथों से खिलाना नहीं था पड़ता, अपने आप ही खा लेते थे। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सारी केयर इन्होंने ही की, तो इन्होंने बस इनकी आदतें जो हैं सारी बिगाड़ दी हैं। इनको पहले हाथों से खिलाना पड़ता है। और जी हाँ, फाइनली हमारे यहाँ पे एसी की सर्विस हो गई है, क्योंकि बारिशों का मौसम आने वाला था, गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी, इसलिए फिर एसी की गैस लीक थी, इसलिए फिर एसी गैस ही भरवाई। फाइनली मेरा वो आज काम हो गया। और रात को देखिए कितनी बारिश हो रही थी, मैंने सोचा आपको क्यों ना दिखाया जाए किस तरह से बिजली यहाँ पे लश्क रही है, चमक रही है। और अभी लाइट्स का भी कुछ पता नहीं चलता, कभी कितने कितने घंटे तक लाइट नहीं रहती है, तो बहुत मुश्किल होती है। थैंक गॉड हमारा एसी की सर्विस जो है हो गई है। तो यहाँ पे हम मिल रहे हैं सीधे नेक्स्ट डे, और मैंने सोचा है क्योंकि इनकी ना सैटरडे संडे को ही टर्न आती है माइकी स्कूबी को नहलाने की, तो आज घर पे थी मैं, छुट्टी थी, तो मैंने इसको बस नहलाना शुरू किया है। और इनके नखरे नहलाने के वक्त इतने होते हैं ना माइकी स्कूबी के, मतलब ऐसे डरते हैं नहाने को, तो पता नहीं कैसे इनको कोई सजा दे दी हो। हालांकि इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी इनको ना बस ऐसा है, एक बार स्टार्टिंग में दुखी करते हैं उसके बाद तो मज़ा आता है। तो मैं इनको अच्छे से नहला दूँगी और इनको इनके लिए अलग से शैम्पू लेकर रखा हुआ है, उसी से इनको पहले सारी इनकी बॉडी को एक एक पार्ट को मतलब कि क्लीन कर दूंगी, चाहे वो इनकी पूंछ हो, पूंछ को भी अच्छे से धोना चाहिए। और लास्ट में मैं इनके फेस के ऊपर जो शैम्पू जो है वो वाला लगाऊंगी, क्योंकि फेस के ऊपर हमेशा अगर हम पग वगैरह किसी भी डॉग को किसी भी पेट को नहलाते हैं तो लास्ट में ही उनको फेस के ऊपर देना चाहिए, साबुन वगैरह लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही करें, जैसे हम बच्चे को करते हैं वैसे ऐसे करते हैं, इनके साथ भी करते हैं। तो इनके रिंकल्स होती हैं तो थोड़ा सा क्लीन करना मुश्किल आती है, तो लेकिन मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ। और वैसे भी मैं जो हमारा वेट टिश्यू होता है ना नैपकिन पेपर, उसके साथ भी मैं इनके जो रिंकल्स है वो क्लीन करती ही रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। ये देखिए ये भाग गया, तो इसको मुझे फिर से पकड़ के लेकर आना पड़ा। तो इसी तरह से इनकी मस्ती भी साथ साथ होती रहती है। अभी ये तो नहला दिया है मैंने और पानी के छींटे इस तरह से मेरे ऊपर फेंक दिया जैसे पता नहीं क्या होता है। तो इनको नहलाने के वक्त अच्छी खासी जो है वो एक्सरसाइज भी हो जाती है, सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो अभी कान वगैरह ए टू जेड इनका सारा मैंने अच्छे से साफ़ करके इस तरह से पानी जो है वो निचोड़ दूंगी, क्योंकि इनकी बॉडी में बालों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो गर्मियाँ हैं अभी तो ड्रायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अदरवाइज़ सर्दियों में तो मुझे ड्राई करने पड़ते हैं इनके हेयर, तो अभी तो पंखे के नीचे अपने आप ही सूख जाएंगे। तो माइकी की बारी अभी आ गई है, स्कूबी को नहला दिया है, ये देखिए ये भी किस तरह से भाग रहा है, तो इसको भी इसी तरह से मैं नहला दूंगी। और ये जो शैम्पू है ना, ये इनके मतलब के जो गर्मियों में हो जाता है ना चिचड़ वगैरह ऐसा कुछ लग जाता है, तो इससे उसका भी इनको प्रोटेक्शन मिलती है, वो भी चीज़ इनको नहीं लगती है। तो बस सैटरडे संडे जो होता है वो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होता है इन लोगों के चक्कर में ही, और जो ये उल्टा भाग दौड़ करवाते हैं मेरे साथ ही साथ, उसमें तो मेरा और भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं इन्हीं के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, उसके बाद मैंने फिर एमरोस को नहलाया, फिर लास्ट में मेरी खुद की बारी आई है, तो एमरोस को भी आज मैंने यहाँ पे बाहर ही टब में निकाल के नहला दिया था, उसने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो यहाँ पे इसको बस नहला के अभी मैं इनको आज कंघी भी करूँगी। तो अगर आप भी पेट लवर हैं, आपके घर में भी पेट हैं और स्पेशली अगर वो पग है, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों की तरह ये होते हैं। और मैंने तो जब ये छोटे छोटे थे उसी वक्त इनको लेकर आई थी,
तो बच्चों की तरह इनको मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। तो बस जैसे मैं अमरोज़ की केयर करती हूँ ठीक उसी तरह से मैं इनकी केयर करती हूँ। बस ये है कि इनका जो नहलाने धुलाने का टाइम आता है, ये देखो ये भाग गया, फिर से लेकर आना पड़ रहा है। तो इनका नहलाना धुलाने का टाइम जो होता है वो वीकेंड में एक बार होता है अभी। तो जब घर पे और दिन होती हूँ, मान लीजिए बीच में छुट्टी आ जाती है, तो मैं बीच में फिर से भी इनको नहला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्कूबी जो है, यहाँ पे इसने अपनी जो सिंहासन है वो पसंद कर लिया है और पसंद करके यहाँ पे बैठ गई है अपने आप को सुखाने के लिए, ताकि जो फर्श है वो भी गीला ना हो। ये बहुत ज़्यादा समझदार है। और ये जो है ये अपने आप को सुखाने के लिए कूलर के सामने बैठा है ताकि इनके बाल जो सूख जाएं। हमने कुछ नहीं बोला, खुद ही अपने आप से इन्होंने अपनी अपनी जो सीट है वो सिलेक्ट की है। और बहुत समझदार भी होते हैं, बहुत केयरिंग भी होते हैं। तो चलिए अभी इनके हेयर जो हैं वो भी अब हम लोग क्लीन कर देते हैं। तो ये ना मेरे पास इनके लिए अलग से स्पेशली मैंने लेकर रखा था एक कंघा जो इनका मिलता है, उससे जो इनके एक्स्ट्रा हेयर होती हैं वो सारे निकल जाते हैं। लेकिन वो ना जब पेंट हुआ तो पता नहीं इधर उधर कहीं रखा गया, तो मुझे मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिल रहा था। तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था टूटा हुआ मेरा कॉम, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो रही है, अच्छे से वो निकल रहे हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे देखिए स्कूबी के हेयर क्लीन किए हैं। तो देखिए इसके ना हेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो इसके हेयर जो हैं बहुत निकलते हैं। ये देखिए कितने सारे अभी एक बार में निकले, अभी फिर से निकलेंगे। तो ये जो है मैं इसको सारी बॉडी के ऊपर अच्छे से हेयर कर दूंगी। और इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, इनको मसाज भी मिल रही है साथ ही साथ। ये तो मतलब जाने का नाम ही नहीं थी ले रही, इसको ये था बस ऐसे ही करते रहो। तो इतने सारे इसके अकेले के हेयर जो हैं वो निकलते हैं। और इसकी वजह से ना कई बार घर में भी जगह जगह पे हेयर हमें दिखाई देते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं इनको ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ तो अच्छे से हो जाता है, फिर इतने ज़्यादा नहीं निकलते। और ये देखिए ये माइकी के हैं, माइकी के इतने नहीं निकलेंगे। आप देखिए मैं ब्रश आपको बीच बीच में दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। इसके सिर्फ लास्ट में निकलेंगे, वो भी लेग्स के और नेक के एरिया के ऊपर से निकलेंगे। तो स्कूबी के तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसके उसके मुकाबले बहुत कम निकलते हैं। तो इसकी हमें इतनी टेंशन नहीं होती है कि ये मतलब इसके हेयर जो है, जब भी कोई चीज़ दिखती है ना कि हाँ कि कहीं पे हेयर दिखा है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये देखो स्कूबी का हेयर। तो गैरी बोलते हैं हाँ हाँ स्कूबी का ही क्यों बोलते हो, माइकी का क्यों नहीं बोलते। तो मैंने बोला माइकी के इतने नहीं निकलते, अभी मैं उनको ऐसे दिखा रही थी कि ये देखो माइकी के सिर्फ नेक और लेग्स के ऊपर इतने से निकले हैं, इसके मुकाबले स्कूबी के कितने ज़्यादा हैं। तो बस ऐसे ही मेरा सारा दिन जो है वो निकल गया है आज भाग दौड़ में। तो आज मैंने छोटा सा ब्लॉग जो है आपके साथ शेयर किया है, बाकी की चीज़ें सारी जो है मैं दूसरे ब्लॉग में शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।